हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि माँ के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के माँ के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी माँ की गर्मी है ना कि मेरी माँ, मेरे मायके में तो सब कुछ है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे, हम तो 56 भोग खाते थे। तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक माँ जिंदा है। माँ मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी माँ की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी माँ की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जय का कभी युद्ध होता, हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी